जमशेदपुर कोरोना महामारी में आर्थिक रूप से मजबूर हिंदुओं तथा सिखों को रुपए नौकरी का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए समझा बुझाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद को मिलते ही मौके पर पहुंचकर उग्र विरोध किया। साथ ही साथ स्थानीय साक्षी थाना को सूचित कर बुलाया गया। मौके पर पहुंचे धर्म परिवर्तन कराने आए ईसाई फादरी को साक्षी थाना ले जाया गया। आज सुबह 10:30 बजे करीब हम लोगों को जैसा जानकारी मिला कि काशीडी रोड नंबर 5 में काली मंदिर के पीछे क्रिश्चियन समुदाय के लोग एक घर में भोले भाले हिंदुओं को बुलाकर बहला फुसलाकर और धर्म परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। जब हमारे कार्यकर्ता वहां पे गए और जब देखे तो काफ़ी संख्या में, लगभग 100 की संख्या में वहां पे लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोग थे और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन बहला फुसलाकर करने का कार्य कर रहे थे। जब हमने ये देखकर और प्रशासन को, थाना को हम लोगों ने सूचित किया कि भाई कोविड चल रहा है, धारा 144 लगा हुआ है, इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में और गैदरिंग करके और ऊपर से जो है कि संविधान विरोधी कार्य, जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इस पर आप कुछ एक्शन लीजिए। तो बड़ा बाबू ने तत्काल एक्शन लेते हुए वहाँ पर प्रशासन को भेजा। अब हम लोग जो है यहाँ पर थाना पहुँचे हुए हैं और जो लोग भी वहाँ पर अभियुक्त हैं उनके नाम से हम लोग केस कर रहे हैं। भाई आखिर आपको संविधान के किस धारा ने आपको अनुमति दी धर्म परिवर्तन कराने की, और वह भी जो कोविड चल रहा है, धारा 144 लगा हुआ है, इस माहौल में आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं पैसे के लालच दे के, भोले भाले हिंदुओं को एडमिशन के नाम पे और बहला फुसला कर आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये संविधान के विरोध में है और समाज के विरोध में भी है। आज दिनांक 11/4/2021 को करीब 10:30 बजे एक फ़ोन आती है वहाँ के पड़ोसियों के द्वारा कि यहाँ कुछ लोग धर्म परिवर्तन कराने के लिए जुटे हुए हैं और कोविड महामारी चल रही है, कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, जैसे कुछ फॉरेनर जैसा बता रहे थे लोग, एक दिख भी रहे हैं लोग यहाँ पे चंगाई सभा बोल के, लगभग 100 लोगों की संख्या थी और वहाँ पे कोई भी क्रिश्चियन नहीं था, एक दो क्रिश्चियन जो पादरी के रूप में थे जो थे परिवर्तन कराने के लिए आए हुए थे, और सारे हमारे समाज के, हिंदू समाज के लोग थे जो थोड़े गरीब प्रवृत्ति के थे, उनको धन का लालच देकर उनको नौकरी लगाने की लालच देकर यहाँ पे लोग आए हुए थे और धर्म परिवर्तन कराने की बात कर रहे थे। अगल बगल एक अपने पुजारी जी भी रहते हैं, उनको भी आग्रह किया गया था कि आप भी आइए, आप गरीब हैं, आपके बेटे को भी नौकरी लगा दी जाएगी, ऐसा करके उनको बहुत दिन से परेशान किया जा रहा था। तो वो आज उन लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया, इसके बाद पता चला कि कम से कम 100 की संख्या थी, कुछ महाराष्ट्र से थे, कुछ काशीडीह के एक परिवार था, कुछ देवनगर के परिवार के थे, कुछ मुखी बस्ती एग्रीको के लोग थे। इन लोगों से संपर्क हुआ, ये लोग वहाँ पे पहुँचे होते, ये लोग बोलते हैं भैया हम लोगों को बहलाया गया, हम लोगों को बोला गया कि आज पैसा भी दिया जाएगा और उसके बाद में आप लोगों को एक नए धर्म में लेके जाएंगे जहाँ से आप लोगों का उन्नति की रास्ता अग्रसर होगा। इन सब बातों का पता विश्व हिंदू परिषद को चला। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग सारे लोग प्रशासन को संपर्क करने के पश्चात वहाँ पे पहुँचे और देखते हैं ये लोग चंगाई सभा करा के पानी में टब में पानी वगैरह भर के रखे हुए थे, जो टब में पानी भर कर रखना मतलब ये उसमें डुबोकर उसको अपने धर्म में लेके आते हैं, बताते हैं कि इसमें डुबोने के बाद जो है आप हमारे धर्म में आ जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। और इन लोगों ने ऐसी प्रवृत्ति की कोविड-19 में, जहां 144 लगा हुआ है धारा, 5 लोग से ज़्यादा गैदरिंग आप नहीं कर सकते हैं, वहां 100 की संख्या में लोग उपस्थित थे, तो विश्व हिंदू परिषद ने आज वहां पे आया और अपना विरोध जताया और साथ ही साथ बड़े बाबू से, यहां के सांची थाना प्रभारी से मिलकर उनको उचित कार्यवाही उन पर हो, ऐसा विरोध जताते हुए हम लोग आज यहाँ पे पहुंचे हैं। स्वदेश वाणी।